गुरु रूप साध संग जी हो फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ी वार विचार अंदाजन कई दिनों तो दास साहब जी दे सामने रख रहे है। इना बाणी दियां पंक्तियां नू आधार बना के राम कली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कमन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे। हर दर तो हर घर तो उदास हो के निराश हो के जिस घर दी जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई ते दसे। सतगुरु कहिंदे ने कोई ते दसे ओ दर कैसा है, ओ दर किथे। दर घर दी व्याख्या तो पहले दास ने इस नुक्ते नू लिया जिस दर कारण फेरा उदासी। इस तो बाद दर घर दी गल उदास कहिंदे ने उद आसन अपने कोल बैठना। ते अपने कोल कौन बैठेगा जो सारियां तो निराश है। आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। जितने चिर तक मनुख सुखा दी डोरी दूजे नाल जोड़ी रखता है दूजे तो निराश नहीं आता, वो फिर अपने नेड़े आउंदा भी नहीं, वो उदास नहीं आउंदा। अपनी आत्मा दे नेड़े होण तो पहले अपने मन दे नेड़े होना आउंदा और अपने मन दे नेड़े होण तो पहले अपने तन दे नेड़े आउंदा। मनुख दूजियां दे नेड़े है अपने तो दूर है। जिस दर कारण फिरां उदासी, निराश कौन आउंदा है। दास ने परसों अर्ज कीती सी प्रथम सत्संगी होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, जप रिहा होवे बाणी बाणी चोट कर जाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रिहा होवे वाहिगुरु तीर दी तरह लगे, ए निराश हो जाएगा उदास हो जाएगा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खावे, अकल इतनी महान कि दुनिया छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अपनी अकल तो चोट खा के भी दुनिया दे कुछ सियाने पुरुष निराश होए ने उदास होए ने। तीसरा संसार तो ही कोई वड्डी चोट लग गई है, कोई हादसा हो गया है। छोटी दा धनहार से दिवालिया हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा से बेइज्जती हो गई है, बड़ी समर्था ते शक्ति से सब जांदी रही। ये जगत तो चोट खा के भी मनुख पूर्ण तौर ते निराश हो सकता है, जगत तो और उदास हो सकता है। हुण मैं अर्ज करां जिहड़ा अजे तक टोटली निराश नहीं उदास नहीं, पहला तो कोई गहरा सत्संगी नहीं है, कोई गहराई नाल सुनदा ही नहीं है। जैसे मैं सवेरे अर्ज कीती सी मनुख बहुत सारे धर्म ग्रंथ ते किताबां पढ़ लैंदा, बड़िया बड़िया डिग्रियां हासिल कर लैंदा है, पर महाराज कहिंदे ने उतने चिर तक वो मूर्ख है जितने चिर तक सिर दे लेख नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाणा सिर के लेख ना पढ़े ए आणा। पर कई ये पुछण लग पे वो सिर दे लेख किवें पढ़ी है। मैं सवेरे खुलासा कीता सी सिर दे च चलदे ने विचार, उन्हां नू वेखणा ही पड़ना है। सिर दे च चलदी है सोचनी
उन्हों वेखना ही पढ़ना है। सिर दे चल दिया ने यादा उन्हों वेखना ही पढ़ना है। कोई नहीं वेखदा, अंदर विचार चलते रहते, कौन देखता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। मन ते शीशा है, इस शीशे दे चों अपने विचारां नूं कोई गुरमुख ही देखता, हर बंदा नहीं देखता। हर बंदा दूजियां नूं देखता रहिंदा है, दूजे दृश्य दूजियां नूं, कौन अपने आप नूं देखता है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। मन दर्पण है, शीशा है, कोई विरला ही मनुख देखता है। हुण मैं अर्ज करां, ये देखना ही पढ़ना है, मेरे अंदर की विचार चल रहे पै, देखदे ही पता चल जाएगा की चल रहा है, की सोचनी चलती रहती है दिन भर, देखदे ही पता चलेगा, की यादां चलदियां रहिंदियां ने सिर दे च, देखदे ही पता चलेगा। ये देखना ही पढ़ना है। काया कागद मन परवाणा, सिर के लेख ना पढ़े इयाणा, उतने चिर तक ये इयाणा है, नादान है, भावें कितना पढ़ा लिखा है, पर जे नू सिर दे लेख पढ़न दी जाच नहीं आई, इयाणा है, सियाणा नहीं है। मैं फिर दोहरावां, सिर दे लेख की है, जो सिर दे च सोचनी चलती रहती है उन्नू देखना ही पढ़ना है। जो सिर दे च यादां चलदियां रहिंदियां ने उन्नू देखना ही पढ़ना है। जो सिर दे च विचार चलते रहिंदे ने इन्नू देखना ही पढ़ना है। पर महाराज कहिंदे मनुख बड़ा इयाणा है, बड़े कुछ किताबां पढ़ लैंदा है, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तो जब सिर दे लेख नहीं पढ़ता तो अपने सिर का पता भी नहीं चलता, मेरा सिर की है, कुछ भी नहीं पता चलता, मैं की हाँ कुछ भी नहीं पता चलता। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मनुख दे अंदर जड़े विचार चलते ने मनुख ओ है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है मनुख ये नहीं है, मनुख दे अंदर जड़ियाँ यादा चलदियाँ ने मनुख ओ है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मनुख दे अंदर जो सोचनी चलती रहती है मनुख ओ है। पर महाराज कहते ने तो कोई पढ़ता ही नहीं। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाणा, कौन सिर दे लेख पढ़ता है। तो मैं अर्ज करें, जिहड़ी विचार दास ने आरंभ की हुई है, कोई थोड़े जिहड़े अभ्यासी सज्जण होणगे अपने नेड़े आउंदे ने, उदास दा मतलब की है, उद आसन अपने विच बैठना, अपने कोल बैठना, अपने नाल बैठना, अपने नाल बैठना धर्म दी साधना दा पहला कदम है। पर मनुख नूं दूजा चाहिदा, तीजा चाहिदा, चौथा चाहिदा, कौन अपने नाल बैठता है। हुण कौन अपने नाल बैठेगा, प्रथम बड़ा गहरा सत्संगी होवे, सरोता बड़ा गहरा होवे, शब्द सुने ते शब्द तीर दी तरह लगे, इन्ना गहरा सरोता होवे, इतनी गहराई नाल थोड़े ही लोग सुनदे ने। ये भी मैं अर्ज करा, मैं उस दिन अर्ज की सी, सुरत दे अर्थ तिन ने शब्द दी चाल दे मुताबक। सुरत शब्द वैसे बनया सरवन तो सरोते तो, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इतने सुरत दे च है, सुनदा पे है, पर इनू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी जे सुनदा पे है। सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी, हुण सुरत दे अर्थ ध्यान, ध्यान जुड़ जाएगा, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, तीन अर्थ ने। तो पहला तो सुरत है, इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहिंदे ने, सुरतवा धर्मंग विजाना थी, धर्म का पहला कदम, धर्म की प्राप्ति सुनन नाल आउंदी है, वेखण नाल नहीं। सुनिए दे उत्ते चार पौड़ियां ने गुरु नानक देव जी,
नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कीर्तन सुनन जा रहे हैं जी, मैं पाठ सुनन जा रहे हैं, गल्ला ही नहीं, कौन सुन दे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगई। ऐ सुनना होंदा है। तो हुण मैं अर्ज करा, बड़ा गहरा स्रोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, या फिर इनू अपनी अकल तो चोट लग जाए। इतनी अकल महान होवे कि संसार दा सब कुछ छोटा हो जाए। जैसे कल मैं अर्ज कीती सी, गालिब कहिंदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब बच्चियां दा खेल है, मेरा दिल नहीं लगदा, मेरे सामने सब कुछ कुछ नहीं, ये सब कुछ है। जिवें पंजाबी च कहिंदे ने, ये जग मिठा अगला किन डिठा, ये बड़ी मोटी अकल दी पहचान है। चलो मैं दो नुक्ते थोड़े सामने रखा। पहला, मुगल सम्राट जिसने भारत देच मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद रखी, बाबर। बड़ा जाबर सी, जालम सी, गुरु नानक ने ते उसके मुँह दे उत्ते कह दिता सी, तो बाबर नहीं है, जाबर है। पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। हिम्मत है धन गुरु नानक देव जी महाराज ते। बाबर कहिंदा है, रोज़ो नो बहारो मैं व दिल रूबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। कहिंदा है, खा ले पी ले रंग माण ले, जगत दिच नित नवा रस नित नवा रंग जद मौजूद है, तो निराश होने की की लोड़ है, उदास होने की की लोड़ क्यों होई है। बाबर ये मोटी अकल की पहचान है। जिन्हा जिन्हा कोल मोटी अकल आउंदी ओ यही कुछ कहिंदे ने, ए जग मिठा अगला किन जिठा, छड्डो अगले दी गल, इस जगत दी कोई गल करो। रोज़ो नो बहारो मैं व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस। ए दुनिया फिर नसीब होनी है, इतना रंग इतना रूप इतना रस, उदास क्यों होइए, क्यों निराश होइए। नित नवा रस नित नवा रंग नित नवा रूप, बाबर ये उदी सोचनी है। इन्हें मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद भारत दे च रखी, जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हुई, जिस बादशाह दे हथों, वो आखिरी मुगल सम्राट सी बहादुर शाह जफर। अंग्रेजा ने इदे कोलों दिल्ली दा तख्त खोया और इनू पकड़ के रंगून दी जेल देच बंद कीता। ए मरिया भी रंगून देच, एदी कबर भी रंगून देच। ए फकीर तबीयत बंदा सी, एदी सभा देच अमीर मिनाई, उस्ताद जौक, मिर्जा गालम, मुल्ला नारायण, इस तरह के बुलंद पाया मनुख जो बड़ी गहरी सोचते सन, बुलंदियों की सोचते सन, वो ये संगी साथी सन। बड़े स्याणे मनुख, बड़े आलम फाजल, बड़ी दूर दी सोचने वाले। ये मनुख हर वक्त अपने नाल रखदा सी, गालिब नू, जौक नू, इमाम अमीर मिनाई नू, और हकीम मोमन खान मोमन, जिन्हा जिन्हा भी सजना ने इन्हां जो है सियाणियां नूं पढ़िया है, पता चलता है कि मनुख कितना उच्चा सोच सकता है, मनुख कितना गहरा सोच सकता है। गालिब ते इत्थे तक कहिंदा है, हर चे बर इफलाक रफ्ता रश बवद, बर जमी रफ्तन चे दुशवा रश बवद। जिस मनुख नूं आसमान दे उत्ते चलण दी जाच आ गई है,
ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ? ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਹਰ ਛੇ ਬਰ ਇਫਲਾਕ ਰਫਤਾ ਰਸ਼ਬਵਤ, ਬਰ ਜ਼ਮੀ ਰਫਤਨ ਚ ਦੁਸ਼ਵਾ ਰਸ਼ਬਵ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੋਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਤਸਵੀ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜੋ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਯਾਰ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਭਯਾਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਉਜਾੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾਭਯਾਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਕ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਯਾਰ ਮੈਂ, ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਜਾੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾਰ ਮੈਂ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਸਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਕਦੀਮੀ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਕਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾਰ ਮੈਂ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਏ ਥੇ ਚਾਰ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ? ਚਾਰ ਦਿਨ। ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਏ ਥੇ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਦੋ ਆਰਜ਼ੂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ ਦੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 1000 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 1000 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਏ ਥੇ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਦੋ ਆਰਜ਼ੂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ ਦੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ, ਇਨ ਹਸਰਤੋਂ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੀਂ ਔਰ ਜਾ ਬਸੇ,
नाम अभ्यासी दे सामने सब तो जड़ी अड़चन आती है इच्छावां दी। मनुख कहिंदा है ये निकलन निकलन। मैं वैराग शतक राजयोगी भरतरी का पढ़ रहा सी। भरतरी कहिंदा है मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे, हे कामना मैं तेनू मां कहना मैनू तू छोड़, मैनू नू आतंक कर मेरे हिरदे चो निकल। मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे, तू हुण होर किसे नू पकड़ छड़ मेरा हिरदा। जो तो ए भोगन हेत भजे तुम सेव तिसे, जो संसार दे भोगां दियां कामनावां करदे ने ते जिन्हां नू संसार दे भोग चाहीदे ने तू उन्हां दे पिछे जा, मैनू छोड़, मैं ते सब कुछ छड्डी बैठा तू मैनू छोड़। भरतरी कहिंदा राज पाठ महल माड़ियां मैं छोड़ियां ने, कामनावां नहीं छुटदियां नहीं छुटदियां। दुखत होके कह रहे अभ्यासी मनुख लई जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या पैदा होंदी है जब अपने नेड़े आंदा है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। बहुत स्याणा मनुख होवे अपनी स्याणप तो चोट खा के उदास हो जाएगा निराश हो जाएगा। तीसरा या संसार तो कोई बहुत वड्डा हादसा हो गया चोट खा गया निराश हो जाएगा उदास हो जाएगा। हुण मैनू कहण देना कोई पूर्ण तौर ते अजे भी निराश नहीं होया उदास नहीं होया तो कहना पै गया कोई गहरा सरोता नहीं है सत्संगी नहीं है। दूसरा ये कोई बहुता अकलमंद भी नहीं है कोई बहुत वड्डी अकल दा मालक नहीं है समझ दा मालक नहीं है। तीसरा अजे संसार तो कोई इसनू बहुत वड्डी चोट नहीं लगे। इन्हां तिन्हां विचों कोई एक घटना भी घटे मनुख निराश हो जाता है उदास हो जाता है। हुण मैं अर्ज करां शब्द की चोट खा के जो निराश होया उदास होया ये आत्म क्रांति करेगा खुद नू बदलेगा कहेगा ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा हूँ तेरे ढंग नाल जीवा, अपने ढंग नाल मैं जी के देख लिया कुछ भी नहीं तेरे ढंग नाल जीवा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खा दी है या संसार तो चोट खा दी है खतरा है खुद नू बदलन दी तां ते किधरे खुद नू खत्म ना कर बैठे, खुद नू बदलन दी तां ते किधरे खुद नू भुलाण दी कोशिश ना करे, हर वक्त नशे दे ची गलतान रहन लग पए। संसार तो चोट खा के भी कुछ लोग टोटली निराश उदास होके आत्म क्रांति करते रहने खुद नू बदलते रहने जैसे महात्मा बुद्ध। अपनी अकल तो चोट खा गया सत्संगी नहीं सी कोई सत्संग नहीं कीता उसका कोई दुख भी नहीं सी संसार तो भी चोट नहीं लगी राजे दा लड़का और इको एक लड़का सारे सुख साधन मौजूद अकल तो चोट खा गए कहिंदा कुछ भी नहीं जगत कुछ भी नहीं। अकल तो चोट खा के भी कई लोगों ने आत्म क्रांति की थी है संसार तो चोट खा के भी कुछ एक लोगों ने आत्म क्रांति की थी है अपने आप को बदलन का यत्न किया है जैसे राजयोगी भरतरी ये सत्संगी नहीं सी ये भी मैं अर्ज करा और इन्हें अपनी अकल तो भी चोट नहीं खाधी फिर ये योगी क्यों बनया गोरख का चेला क्यों बनया आप सुन के हैरान होवोगे प्राणायाम की साधना करके ने अपनी उम्र इतनी लंबी कर ली सी ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी साड़ी जन्म सखी ये कहिंदी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भरतरी दे प्रति
तिन शब्द उचारण किते ने आसा राग दे। सिफती रत्ता सदबै रागी जूए जन्म ना हारे कहे नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। तीन शब्द ने इसकी व्याख्या की थी, तो मूल जिहड़ा मजमून मैं छेड़िया रह जाएगा। तिने शब्दों दियां दो दो पंक्तियां थानू सुनावां। जलते उपजे जलते दूर ए दूजा, जलते उपजे जलते दूर जल में जोत रहा भरपूर सुन भरतर नानक कहे विचार निर्मल नाम मेरा आदा। इतनी उच्ची परवाज उचियां गल्लां सुन के भरतरी दंग रहा है, क्योंकि भरतरी सतगुरु दे चरनी पै गया सी। निर्माणता इहदे अंदर कुछ जानन दी बुख सी। पुछ बैठा महाराज थोड़ा पंथ की है, क्योंकि वो तो जोगी से, वो तो गोरख पंथ ही से, गोरख दे मार्ग से चलता से, गोरख का चेला से। थोड़ा पंथ की है, उन्हें तीजा शब्द। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐ भरतरी साडा पंथ पुछदा, सारे जगत दे भेख वरन मजहब जात पा सारिया दे नाल चलना ते सारिया नू अपने नाल चलाना, बस नानक दा पंथ यही है, और कोई पंथ नहीं, और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुन लेना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। भरतरी सारे जोगियां दे चों बहुत गुरु नानक दे श्रद्धा रखदा सी, श्रद्धालु सी, झुकिया सी। हुण मैं अर्ज करा, भरतरी कोई सतसंगी नहीं सी कि सतसंग तो चोट खा के जोगी बनिया होवे। भरतरी ने कोई अपनी अकल तो भी चोट नहीं खाधी, ये भी मैं अर्ज करा। भरतरी नू संसार तो चोट लग गई। तुसी आखोगे राजा सी, बड़े बड़े महल धन संपदा, केड़ी गल दी कमी सी, ये अपनी पत्नी तो चोट खा गए। इहदी पत्नी दा नां सी पिंगला। वैराग शतक दा जिहड़ा पहला छंद है उहदे च दसदा है मैं जोगी क्यों बणिया, इत्थों ही आरंभ करदा है। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। धार्मिक जगत दे वैराग शतक प्रचलित है। पुरानियां गुरमत दियां टकसालां दे जिथे विचार माला, विचार सागर पढ़ाया जांदा सी, बिरती प्रभाकर, उत्थे वैराग शतक भी पढ़ाया जांदे सी। अज ते हुण कोई गल ही नहीं, कोई टेपां सुन लैंदा, कोई चार अखर पढ़ लैंदा, बस ठीक है, कथा चल पई। टकसाला नहीं रही, हुण इस तरह का अभ्यास भी नहीं रहा। उन्हां ग्रंथां दे नाम भी खोंदे जा रहे ने जिहड़े निर्मलियां उदासियां दी टकसालां च पहले पढ़ाए जांदे सी। सारे वैराग शतक भावें मिलदा है, अमृतसर दे हर दुकान ते पिया हुंदा है, कौन लैंदा, कौन पढ़दा। वैराग शतक दे भरतरी दसदा है मैं जोगी क्यों बनिया, अकल तो चोट खा के नहीं बनिया मैं, मैं कोई सत्संगी भी नहीं गहरा के गुरु दा शब्द प्रभु दे बोल चोट कर गए उन ते मैं जोगी बन गया। कहिंदा नहीं, फिर क्यों बनिया? तो उसे दे ही बोल मैं थोड़े सामने रखा। जिन को चित मैं नित मैं चितमो तिन की तन मो तन माए रतीना, वो आन पमान के संग रति फुन ता मन में गन का ग्रह कीना। दृग है अबला वृद कंदर्भ पे और मोए धिकार जो मार अदीना। इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। जिन को चित मैं नित मैं चितमो तिन की तन मो तन माए रतीना। जो मेरे चित दे च हर वक्त रहिंदी सी पिंगला, मेरा हिरदा हर वक्त उसनों याद करदा सी, उहदी याद तो मेरा हिरदा कदी खाली नहीं होया। भरतरी इंज कह देना,
ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿਣਾ। ਗਨ ਕਾ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੀ ਗਨਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਭਗਤ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਕਾਲੇ ਮੇਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੇਡਾ ਵੇਸ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ ਭਾਵੇਂ ਫਕੀਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਫਕੀਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਇ ਰਤੀਨਾ ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿਣਾ ਦ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬ ਲਾ ਬ੍ਰਿਦ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਏ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਤੀਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਸਮਰਾਟ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਛਤਰਪਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਥ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੋਚਵਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮਾਲਕਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਉਸਨੇ ਡਾਕਾ ਡਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹ ਮੋਹ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੇਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬ ਲਾ ਬ੍ਰਿਦ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਹ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੇਨਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਪ ਹੋਏ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰਪ ਹੋਏ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਪ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ 'ਚੋਂ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੇ ਨਿਰਪ ਹੋਏ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੇਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਭਰਈਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਦੋ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਖਤਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗਾਲਿਬ ਜੈਸਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ
एक बच्चियां दा खिडौना प्रतीत आउंदी है, दिन रात शराब दे डुब के रह गया। दिन रात बड़े कीमती बोल ने उहदे, और मुतसबी भी नहीं सी मुसलमान होंदा होया। कहिंदा असल धर्म की है, वफादारी बशर्ते अस्तवारी, असल ईमान है। असल ईमान की है भरोसा विश्वास, भरोसा नहीं तो कितना धर्म दा कर्म कांड करे धार्मिक नहीं है। बड़ी कीमती गल करता है। जा के हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान ते समान प्रगट आया। गालिब कहिंदा वफादारी बशर्ते अस्तवारी, अस्तवारी कहिंदे पुख्ता पक्के, वफादारी बशर्ते अस्तवारी, असल ईमा है। मरे बुतखाना में ब्राह्मण जागाड़ो काबा में, मूर्तियां देच भी भरोसा पूरा सी ते पूजा करदा रहे, और पूजा करदा मर गया। कहिंदा इहदी कबर मक्के देच बनाओ, मुहम्मद साहब दे कोल बनाओ, और उत्थे उसनू पूजो, क्योंकि असल ईमान यही है कि इहदा फेथ डोलिया नहीं, इहदा भरोसा डोलिया नहीं। इन्नी कीमती गल करदा, इतनी बारीक गल करदा है, इतनी बारीक इसकी सोचनी, पर दिन रात नशे दे डुब गया। समाप्त मैं करा। इहदी बेगम एक दिन कहन लगी, मिर्जा किसे वक्त ते होश च आया करो, तुसी सभा दे शिंगार बहादुर शाह दे निकट, दुनिया थानू आलम फाजिल कहिंदी है, दुनिया थानू रोशन दिमाग कहिंदी है, तुसी दिन रात नशा करके अंधेरे च रहिंदे हो, तुसी रोशन दिमाग जगत नू चानना देण वाले नशा करके दिन रात अंधेरे च रहिंदे हो। पता है गालिब ने की आख्या, जद चानना आउंदा है ना ते तू भी मिट्टी दा खिडौना प्रतीत आउंदी है। तू बेगम मैनू दिखाई देनी है अंधेरे च, अज्ञानता च, जद मेरी अकल कम नहीं करती, तो मैनू बेगम दिखाई देनी है, चंगी लगती है। जद मेरी अकल कम करती है, चानना आउंदा है, तो मिट्टी दा बुत दिखाई देनी है, मिट्टी दा खिडौना। हुण तू आप दस, बेगम बन के रहना ही कि मिट्टी का खिडौना बन के रहना है। गालिब और गालिब जारो जार रोन लग पाया, कहन लगा मिट्टी के खिडौणिया नाल मैं खेड नहीं सकता, इस तो उच्ची दुनिया की मैनू प्राप्ति नहीं, तो मैं की करा की करा। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। मैं तो इतना बेचैन, कुछ भी नहीं जगत दे जेदे आसरे ते मैं जीवा। ऐसा परेशान बेचैन मनुख सियाणप दी इंतहा नू छोया है, लेकिन एक खतरा है, ऐसा मनुख अपने आप नू भुलाण दा यतन कर सकता है। 99% उर्दू दे शायर, हिंदी दे कवि, पंजाबी दे कवि गुस्ताखी माफ शराबी ने, कोई कवि बैठा हो माफी मैं पहले मांग लेना, 1% वो अपने आप नू समझ लवे, शराबी ने। सियाणा मनुख, बहुत सियाणा मनुख या अपने आप नू भुलाएगा या अपने आप नू खत्म करेगा। हकीम मोमन खान मोमन, हिंदू कहिंदे ने इहदे बोल उपनिषदां वर्गे ने। हकीम मोमन खान मोमन पता की कहिंदा है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर जाइए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जगत की, मिट्टी दे खिडौने नाल खेडना। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहते ने एक ख्याल मैनू मरण नहीं दे रहा, खुदकशी नहीं करण दे रहा, मर के भी मैनू चैन ना मिलिया, फिर मैं की करांगा। लेकिन मरण दी ते सोची है उसने, इतने स्याणे मनुख ने। बहादुर शाह जिसनों सलाम करदा है, सजदा करदा है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ। ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੜੀ, ਇਹ ਲੜੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗਿਆਨ